हेलो वेलकम टू माय चैनल, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। तो आइए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, डोंट गिव अप। एक ऐसी परिस्थिति है कि आजकल हर किसी को इसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब हर जगह कंपटीशन ही है। चाहे स्कूल में ले लो, कॉलेज में ले लो, जॉब में ले लो, बिजनेस में ले लो, या किसी भी चीज़ में, हर जगह कॉम्पिटिशन है। हर कोई चाहता है कि उसको अपनी मनचाही सक्सेस मिल जाए, पर कई बार क्या होता है, वो बार बार इसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है, पर वो उसे वो सक्सेस नहीं मिलती, तो इससे वो उस चीज़ से गिव अप कर देता है। पर हमारा आज की वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि आपको गिव अप करने से रोकना, क्योंकि गिव अप करना किसी चीज़ का हल नहीं है। मान लीजिए आपने इस काम के लिए गिव अप कर दिया, अब आप दूसरे काम की तरफ चल पड़े, तो आपका माइंड तो ऐसे सेट हो गया होगा कि थोड़ी सी परेशानी आई तो आप गिव अप कर दोगे। तो वैसे ही उस काम में अगर थोड़ी सी भी परेशानी आई तो आपका माइंड कहेगा इस पर गिव अप कर दे। इससे क्या होगा, आप किसी भी सक्सेस को नहीं पा सकोगे। आप हमेशा गिव अप करते रहोगे, क्योंकि गिव अप करना कोई किसी चीज़ का हल नहीं है। आपने इनको तो देखा होगा, आप जानते हैं बचपन से इनकी हालत नहीं थी, इनकी हालत ये थोड़ी बड़े बड़े होते हुए तब इनको ये बीमारी ने इनकी ये हालत कर दी, पर इन्होंने इस बीमारी से हार नहीं मानी और गिव अप नहीं किया। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो आज इन्होंने वो काम कर दिखाया जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। इन्होंने ब्लैक होल की खोज कर दी और आज इनको हर कोई जानता है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है, आपको भी गिव अप नहीं करना है। चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, आपको गिव अप नहीं करना है। और हमारी वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आपको गिव अप नहीं करने देना है। आजकल आपने देखा होगा तालिबानी कैसे अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हैं। मैं उन बहन बेटियों और माओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने उनसे डरे नहीं बल्कि उनका सामना किया, उस परिस्थिति में गिव अप नहीं किया। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है, आपको भी अपनी कठिनाइयों के सामने गिव अप नहीं करना है और अपने सक्सेस को पाना है। आप जानते हैं हमारे भारत को आज़ाद करने में कितनी मेहनत लगी है। उन्होंने एकदम से नहीं उठे और उन्होंने आज़ादी दिला दी, उन्हें धीरे धीरे उन्होंने काम किया। अगर वो तभी गिव अप कर देते तो आज हम फिर तो अगर वो तभी गिव अप कर देते अपनी कठिनाइयों को देख के तो आज हम आज़ाद नहीं होते। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है और अपनी कठिनाइयों के सामने गिव अप नहीं करना है। अंत में सिर्फ ये दो बातें बोलना चाहता हूँ कि बार बार जीतने वाले जो बार बार जीतता है उसकी हेडलाइन बनती है, और जब बार बार हारने वाला जीतता है तो इतिहास बनता है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रख के अपनी सक्सेस को पाना है और कभी गिव अप नहीं करना है। अब चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात है आपके जन्मदिन के ऊपर, और जिनका आज जन्मदिन है उनको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। आप देखते होंगे हमारी पृथ्वी में हर जगह हरियाली है, पर आप क्या जानते हैं हरियाली हमेशा तक रहेगी? जैसा हम काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता है हरियाली कुछ साल बाद रहेगी। तो हमें क्या करना है, अपने जन्मदिन में सिर्फ एक पौधा लगाना है और उसकी देखभाल भी करनी है। ये नहीं कि पौधा लगा दिया और उसकी कोई देखभाल नहीं करनी, तो सिर्फ आपको एक पौधा लगाना है, उसको पूरे साल देखभाल करनी है। आप देखोगे हमारी पृथ्वी एक दिन इससे भी ज़्यादा हरी भरी दिखाई देगी। तो होप यू आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करें। पर डिसलाइक करने से पहले हमें ये बताएं कि आपको इस वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।